बुरहानपुर जिले में हवा, आंधी, तूफान और बारिश से बुरहानपुर खकनार तहसील के 2 दर्जन से अधिक गांव के 100 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं, जिनकी खेतों में तैयार खड़ी हुई केला कपास की फसलें तबाह हो गई है। किसान करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान बता रहे हैं। अब उन्होंने जिला प्रशासन से सर्वे के साथ तत्काल मुआवजा मिले इसकी मांग की है, ताकि खेतों में दूसरी फसलें लगा सके। बुरहानपुर खकनार तहसील के शाहपुर, दरियापुर, अड़गाव, फोपनार, निम्बोला, दाहिंदा, नीमना, फतेहपुर, सोनगढ़, खकनार, धाबा, तुकैथल, गुलई, बम्बाड़ा, रत्नापुर, रायतलाई, सारोला, जैनाबाद, तीटगांव, आहुखाना, जयसिंहपुरा, इच्छापुर, हथनूर, भावसा, खामनी सहित कई गाँव प्रभावित हुए हैं। प्रगतिशील किसान संगठन के जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह कुशवाहा ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंप कर उचित मुआवजा मिले इसकी मांग की है। हम आपको बता दें कि 6 माह में यह दूसरी बार किसानों का नुकसान हुआ है। पहले भी 4,500 किसानों का केला, कपास और गन्ने की फसल का नुकसान हुआ था, जिन्हें 21,99,00,000 रुपये का मुआवजा दिया गया था। 16 सितंबर को तेज हवा, आंधी, बारिश और बाढ़ के पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि 100 से अधिक किसान इससे प्रभावित हो गए हैं। अब जब इस संबंध में SDM पल्लवी पौराणिक से बात की तो उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से समस्या बताई गई है, सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले हमारे लोनी, बहादुरपुर, पाटोंडा, शाहपुर, कोपनार, धामनगांव आदि गाँवों में सैकड़ों गाँवों में भारी नुकसान हुआ था, उसका भी आज तक कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। और अभी खकनार क्षेत्र के 50-60 गांवों में भारी नुकसान हुआ है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राज का काम चल रहा है और प्रजा भयंकर परेशान है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। किसानों का अगला कदम क्या होगा? किसानों का अगला कदम अब ये होगा कि किसान बोल बोल के थक गए, अब किसान 2023 में इसका जवाब कोर्ट की चोट से शिवराज जी को जरूर देंगे। दाहिंदा का किसान रोटे नाले में पूर भराने से फसल नष्ट हो रहा है। कितने किसान प्रभावित हुए? प्रभावित कम से कम 20 से 25 किसान है। क्या क्या फसल लगी थी? कपास, तुअर, मक्का, गन्ना। आप क्या चाहते हो? हमें कुछ सहायता राशि शासन से मिले। कहाँ पर आया शिकायत करने? कलेक्टर ऑफिस में आया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रमेश। क्या समस्या लेकर? आज हम यहाँ हमारे किसान लोग, हमारे यहाँ आंधी आया, पानी आई और केले की फसलें सब चौपट हो जाएगी, कपास की फसल चौपट हो गई, मक्के की फसल चौपट हो गई है। ये सब फसलें चौपट होने के कारण हम यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, तुरंत सर्वे किया जाए और इसका तुरंत मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले भी हमने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन के अंदर ये सरकार का कुछ कान नहीं खुले और कान नहीं खुलने के कारण वो बड़ा आंदोलन की चेतावनी दे रहे। अगर यह सर्वे नहीं हुआ तुरंत और नहीं मुआवजा हमारे खाते में है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, चाहे शहर बंद करना पड़े, शहर रोकना पड़े और पूरा पूरे चुने हुए सदस्यों का हम विरोध करेंगे और तुरंत हम मुख्यमंत्री से मिलने की कृपा करेंगे। ज्ञापन दिया, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है? जिला किसान कांग्रेस बुरहानपुर के द्वारा आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। क्या मांगे उनकी? उनके द्वारा मांग की गई कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का तत्काल सर्वे कर मुआवजा दिलवाया जाए। मैडम, आपके द्वारा सर्वे शुरू कर दिया होगा, कितना नुकसान हुआ है किसानों का? अभी प्रारंभिक तौर पर है, जैसे ही सर्वे पूरा हो जाएगा उसके बाद उसकी जानकारी दी जाएगी।